डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस पे है। बीएस मैथमेटिक्स मास्टर 4 मैथ कोड 410 यह सब कैंपस का पेपर जो अभी रिसेंटली हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम लॉजिक डिज़ाइन एंड कोडिंग, सेकंड क्वेश्चन है एल्गोरिथम एंड इट्स एडवांटेज लिखने हैं, फ्लो चार्ट ऑफ इनपुट्स, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इफ मार्क्स आर 40 और मोर इट डिस्प्लेज पास अदरवाइज इट डिस्प्लेज फेल, मशीन असेंबली लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 3 विजुअल प्रोग्रामिंग है, ब्रीफ नोट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, राइट द डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोग्राम की डेफिनेशन आ गई आपके पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इजी सा है इसको नोट कर लें। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो मैथ स्किल से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी डेली वीडियो मिलती रहे। आज लॉजिक डिज़ाइन, इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिज़ाइन वो स्पेसिफाइड डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर टू प्रोग्राम सॉल्व प्रोग्राम एंड सीक्वेंस ऑफ दिस। आगे कोडिंग का सोल्यूशन लिख दिया आपके पास, एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रोग्राम, द प्रोसेस प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, आसान हो जाता है। इट इज़ बेटर टू राइट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर नेटवर्क। इस बुक का मैं आपको डिजिटल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम क्या है, ये क्या कहता है, रिड्यूस कम्प्लेक्सिसिटी को कम कर देता है जी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझना आसान हो जाता है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने लिखना था, द फ्लो फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ एन एनालॉग एल्गोरिथम दैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इफ मार्क्स आर 40 और मोर, 40 या 40 ज़्यादा हो तो पास होगा अदरवाइज फेल होगा। तो ये एल्गोरिथम आपके साथ आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक पर राइट कर सकते हैं इसको। मशीन लैंग्वेज है, उसका डेफिनेशन, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आ गई आपके पास, असेंबली लैंग्वेज के बाद क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है विजुअल प्रोग्रामिंग। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपनी नोटबुक्स पे लिख भी सकते हैं। वीडियोज आपकी एफिलिएटेड के लिए बनाई जा रही है, एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको आंसर जो है ढूंढने में मुश्किल पेश आती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग है, इसका रिमेनिंग पार्ट्स ये है जी सी प्लस प्लस का। सर जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, हेडर फाइल्स, सिंटैक्स है, इसके बाद मेन फंक्शन है इसका, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट है इसमें, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है, अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसको रीड करके फिर आगे आप, मैं इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर मुश्किल होती है। डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद करें जी, पहले 5 पॉइंट जो है राइट कर लें फिर आगे वाले 5 पॉइंट राइट कर लें। इसके बाद मेन कैंपस का जो पेपर आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, व्हाट इज़ मीन बाय ऑपरेटर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद देयर पर्पस इन डिटेल्स, मेक फ्लो चार्ट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड वेदर इट इज़ लीप ईयर आर नॉट, प्रोग्राम अपन फ्लो चार्ट बनाना है। प्रैक्टिकल जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर इन एनी अरे एंड डिस्प्लेज द मिनिमम नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 वैल्यूज ए बी एंड सी फ्रॉम द यूजर एंड पॉइंट एंड प्रिंट्स द नेचर ऑफ रूट्स, क्या आपने बताना है। तो व्हाइल लूप, व्हाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन आर मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन
रिमेन ट्रू। इट इज़ यूजफुल होता है व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ये व्हाइल लूप हो गया जी। क्वेश्चन आपका व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। ये वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप है। इसके बाद हम देखते हैं डू व्हाइल लूप क्या चीज़ होती है। डू व्हाइल लूप इज एन इटरेटिव कंट्रोल इन सी प्लस लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स। इसमें वन और मोर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं व्हाइल द गिवन कंडीशन इज ट्रू होती है। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लूप इन सिचुएशन व्हेन द लूप बॉडी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट द लीस्ट। तो आप व्हाइल की डेफिनेशन लिख दें और डू व्हाइल की लिख दें तो आप में ये डिफरेंस दोनों में आ जाएगा। तो ये नीचे डिफरेंस में यही है कि इन दिस लूप में कंडीशन कम्स बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होती हैं कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप आती हैं। तो ये बुक का मैं लिंक जो है पीडीएफ फाइल का ड्राइव का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।